नमस्कार दर्शकों, आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। तो बात करने वाले हैं इस साप्ताहिक राशिफल की, 8 मई से लेकर के 15 मई तक का साप्ताहिक राशिफल आपका कैसा जाने, ताकि आप लोग समय रहते हुए अननेसेसरी थिंग को अवॉइड कर पाएं, जिससे आपको हानि मिल सकती थी, और साथ ही साथ ऐसे कार्यों में आप लग सकें, आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल साबित हो। तो चलिए बिना किसी विलंब के साथ इस वीडियो को आरंभ करते हैं। पहली वीडियो में बता चुका हूं कि मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है, इस पर चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं अन्य 6 राशियों की बात करूंगा। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को आरंभ करते हैं। बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की। यह सप्ताह उनके लिए इनक्रेडिबल रहने वाला है। इनक्रेडिबल इसलिए क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी ना हो, लेकिन लकी वह आपके लिए शुभ पक्ष में ही होंगे। जैसे कहीं आपको अचानक लाभ प्राप्त करा दें या अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिल सकता है, जो आपको लग नहीं रहा हो कि ये पैसा आएगा या नहीं आएगा। पर हाँ, एवरीडे के कामों में थोड़े बिजी जरूर रहने वाले हैं, लेकिन फैमिली के लिए कहीं ना कहीं से समय निकालने में आप सक्षम हो पाएंगे। वहीं हेल्थ को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए समय थोड़ा डिफिकल्टी भरा हो सकता है, क्योंकि कई जगह आपको मनी स्ट्रक हो जाएगा। अगर व्हीकल या प्रॉपर्टी परचेज करने की सोच रहे हैं आप, तो यह टाइम आपके लिए एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है। किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के योग इस समय बन रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह, देखिए आप लोगों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। चाहे वो वर्किंग लाइफ हो या बिजनेस लाइफ, इन दोनों में ही आपको वर्कलोड कम देखने को मिल सकता है, जिनसे चिंताएं और डिप्रेशन कम होगा। हाँ, फैमिली में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। इस वीक आप प्लानिंग करने पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। वहीं अटके हुए धन आपको वापस मिल सकते हैं, जो धन आपका अटका हुआ हो, परंतु लाइफ पार्टनर का हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, इसका विशेष ध्यान देना होगा, इसलिए आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सरकारी कार्यों के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे मेंटल और फिजिकल कष्ट दोनों बढ़ सकता है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा जाने वाला है। आप लोगों के लिए यह वीक बिजनेस में अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अगर आप छोटा मोटा भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको अच्छे प्रॉफिट को दिला सकता है। वहीं ऑफिस में आपके कलीग के द्वारा कष्ट मिल सकता है, परेशानी झगड़ा हो सकता है, परंतु सीनियर आपके सपोर्ट में रहने वाले हैं, जिससे सिचुएशन मैनेज हो सकती है। फैमिली में शादी विवाह या किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे अचानक लॉन्ग ट्रिप पर आप जा सकते हैं। प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने से पहले अपने माता पिता से सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए। हाँ, एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी अवश्य देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बीच आपकी माता जी का स्वास्थ्य खराब अवश्य हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के लिए समय पेनफुल हो सकता है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, उसके योग बन रहे हैं, इसलिए संभल करके चलना चाहिए। बोन से रिलेटेड कोई कष्ट आपको हो सकता है, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। बाकी फ्रेंड्स के साथ आनंद में
टाइम स्पेंड कर पाएंगे आप। आप इस समय दूसरों का भला करने के चक्कर में अपना नुकसान कर सकते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले विचार अवश्य करना होगा। वहीं हाई कॉन्फिडेंस होने की वजह से आप अपनी फील्ड में आगे रहने वाले हैं। बिजनेस की दृष्टि से भी यह समय अच्छा रहने वाला है, आपको लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, उससे बचना होगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए निरंतर ऐसे वीडियो लाने की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह सामान्य है, परंतु बिजनेस करने वालों के लिए कई सुफल लेकर के आने वाला है। यह सप्ताह आपकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा सकता है। माता पिता की हेल्थ को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। वहीं इस समय किसी और के मामले में टांग अड़ाना आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचना होगा। वहीं आप किसी एडवेंचर जर्नी पर जा सकते हैं और वहीं ऑफिस में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आइए अब वीडियो का अंत मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है यह जानते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए आप लोगों के लिए यह सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट आपको मिल सकता है। वहीं नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय थोड़ा कठिन नजर आ रहा है, जो कि वीक के एंड में सुधर सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप परेशान हो सकते हैं। वहीं किसी पुराने बात को लेकर परिवार में बहस छिड़ सकती है। स्त्रियों का सम्मान करना होगा इस समय। इस बीच आप अपने मुंह बोलेपन के कारण, मतलब बढ़ा चढ़ करके बात करनी, उसके कारण आप फंस सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटिव विवाद में फैसला आपके पक्ष में आने से आप खुश रहेंगे। वहीं संतान पक्ष से भी गुड न्यूज मिल सकती है। जीवन साथी के साथ सुखद पल आप व्यतीत करेंगे। दर्शकों, धन्यवाद। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए अभिनंदन, आभार और नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।